तू कहाँ रोजा रखेगी? रखेगी हाँ? नहीं रखेगी, तुझे नींद नहीं आई? कहती है कि जल्दी जल जाए, एवं अम्मी जल्दी जल जाए, टाइम थोड़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ मेरे साहब दोस्त खैर और अफिया से होंगे। आज की डेली रूटीन और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिल किया था ग्राहियों से रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और ढेरों खुशियाँ इस रमज़ानुल मुबारक के सदके आप में नसीब करे और आपकी दुख परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रखा, अल्लाह पाक का शुक्र है, यह एहसान है हम पे, तो बहुत खुशी है रमज़ान शरीफ के आने की। ये बैठे अम्मी जी, रोज़ा रखेंगे आप? जी हाँ। अच्छा माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक। बताया बहुत लेट है इन लोगों, जी हाँ बहुत लेट दस है ना। बहुत लेट है। हाँ अट्टा शट्टा मार लिया? मार लिए, बस हम तंदूर बल्ला दे इंतजार है। जी हाँ। अच्छा तू कहाँ रोज़ा रखेगी? रखेगी हाँ? नहीं रखेगी, तुझे नींद नहीं आई? ते नींद नहीं आई क्यों? मच्छर खांदा है? अच्छा कितने बद है? तू भी रोजा रखेगी? रोजा रख से हाँ? कितने हाँ? ये सोया पड़ा है कामरान और जिशान, तू भी रोज़ा रखना है? तू रोज़ा नहीं रखेगा है क्यों? भाई लोग तनूर जलाया जा रहा है, सुबह के पहला नाश्ता, सुबह का कहाँ पहला नाश्ता। अम्मी जी जो है ना आटा गूंद के आ गई हैं, तो अब तनूर को देखें वो कहती हैं कि जल्दी जल जाए, एवं अम्मी जल्दी जल जाए, टाइम थोड़ा रहता है और टाइम बहुत कम रह रहा है, तो इसलिए अम्मी जी कहती हैं कि देर ना हो जाए कहीं रोज़ा रखने में। रोटियां आ चुकी हैं, अम्मी जी जो है ना इसको वो कर रही हैं, यानी कि मक्खन लगा रही हैं। देखे तो किसी ने खाना है तो आ जाए, नहीं तो फिर हम तो शुरू कर रहे हैं ना पहला रोज़ा रखने की तैयारी शुरू। कहें अम्मी जी तैयारी शुरू है ना? हाँ शुरू है इंशाल्लाह। भाई लोग रोटी मक्खन और साथ में दही और लस्सी, सालन नहीं बना पाए क्योंकि जल्दी थी, तो इसलिए टाइम कम रह रहा था, तो इसलिए रात को सालन बनाया नहीं था। तो फिर करते हैं अब शुरू खाना, तो आ जाए वेलकम। तो अभी चलते हैं अम्मी जी से पूछते हैं कि अम्मी जी को भी खुशी है कि नहीं है। हमारे घर में सब लोगों ने रोज़ा रखा है सिवाय छोटे बच्चों के या मेरे अब्बू के अलावा, क्योंकि मेरे अब्बू रोज़ा नहीं रख सकते, उनकी कुछ यानी कि तकलीफ है, तो इसी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब घर वालों ने रोज़ा रखा है, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है हम पे, तो अल्लाह पाक आपको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे इस माह रमज़ान के सदके, आपको भी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। आइए चलते हैं अम्मी जी से पूछते हैं। ये रही जी अम्मी जी, तो अम्मी जी आपने रोज़ा रखा? रखा 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 है। चलो माशाल्लाह की बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत खुशी हुई है ना खुशी। हाँ रमज़ान से उन्होंने भी खुशी हो गए, रमजान शरीफ की मुबारक हो। हाँ अम्मी जी कह रहे हैं कि आप सबको ना रमजान शरीफ की मुबारक हो और बहुत खुशी है हमने भी रोज़ा रखा है, तेने भी रोज़ा रखा है। ये बच्ची कहती है मैं, हाँ ये बच्ची उस वक्त जाग रही थी, इसने भी रोज़ा रखा है हमारे साथ, इसने खाना खाया। तूने रोज़ा रखा है? किधर रखा है? अंदर रखा है? हाँ साहब मुँह में रखा है। किधर रखा है? अंदर रख लिया। ये निशान और इन्होंने ने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि ये सोए पड़े थे, नहीं सोया पड़ा था, जाग रहा था। हाँ।
हाँ ज़ीशान जाग रहा था यार। हाँ तो अमित जी फिर माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, खुशी हुई है ना। हाँ अल्लाह पाक सारे खुश रखे। हाँ तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद, तो अभी व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, एंड तक व्लॉग देखना है आपने। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार व्लॉग होने वाला है भाई लोग। अफ्तारी की तैयारी शुरू, यहाँ पे सालन देखे बनाया जा रहा है। ये चिकनार है, लाल चिकनार लाल, और ये आलू। आलू वाइज सब्जी है जो हर चीज़ में फिट हो जाती है। आलू गोश्त पका लें, आलू पालक पका लें, आलू समोसे बना लें। आलू ऐसी है क्या, आलू कहते हैं कि मैं हर चीज़ में फिट हूँ, मुझे जहाँ फेंकना चाहो मैं फिट आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये सूखी धनिया पड़ी हैं भाई लोग। चलते हैं शहर में कुछ अफ्तारी के लिए सामान लेके आना है। सामान ला के हमने अफ्तारी का, हाँ अम्मी जी ने पैसे दिए, कहती है कि कोई जाके अफ्तारी के लिए सामान ले आओ। तो बाइक जो है ना मेरी रेडी है, मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ। मैं अम्मी जी यूँ गया और यूँ आया। ज़ीशान भी मेरे साथ आ रहा है, चले ज़ीशान हैं, चल फिर चलते हैं। ये आ रहा है ज़ीशान भाई लोग। हम घर से बाहर निकल आए हैं, कैसे ज़ीशान बाहर नहीं आ गए हैं? तो अभी हम जा रहे हैं अपने करीबी शहर में कुछ जाके सामान खरीदते हैं कुछ अफ्तारी के लिए। देखते हैं क्या अच्छा लगता है, क्या सही लगता है, देखेंगे वहाँ पे जाके। तो अभी हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं। तो भाई लोग हम यहाँ पे पहुँचे हैं, खरबूजा खरीदने और खजूर लिए। तो केला इतना महंगा है कि हमारी पहुँच से दूर है, केला जो है ना वो 400 रुपये यार, महंगा बहुत है। तो यार पक्की या कच्ची कहाँ से? हमारे खरीदा यहाँ से, ये देखे हमने जा रहा। अम्मी जी देखे रोटियां बना रही है और मैं यहाँ पे पानी बना रहा हूँ ताकि अम्मी जी रोटियां बना के आ जाएं, तो फिर इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करेंगे। ये चीनी मैं डाल रहा हूँ, देखें ये चीनी डाली जा रही है, इतनी चीनी काफ़ी अब बहुत है। और इसमें डालते हैं जामा शीरी, अभी डालते हैं आपको दिखा दें। पकड़ यार, चलें जी अब इसको मिक्स करते हैं। अभी बंद कर बनाते हैं भाई लोग। पानी जो है ना तैयार कर रहे हैं, बस तीन चार आदमी सारे हैं, दो भाई जो है ना वो बाहर हैं, इसलिए तीन चार बंदे सारे हैं, इतना पानी काफ़ी है। बंद लोग ये चीनी मैं डाल रहा हूँ, देखें ये चीनी डाली जा रही है, इतनी चीनी काफ़ी अब बहुत है। और इसमें डालते हैं जामा शीरी, अभी डालते हैं आपको दिखा दें। पकड़ यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी अब इसको मिक्स करते हैं। अभी बंद कर भाई लोग, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के लिए सामान जो है ना रेडी हो चुका है। सामने तरबूज, खीरे, खजूर और मीठा पानी, साथ में सालन और ये रोटी पड़ी है। और भाई लोग हम सब लोग जो है ना इकट्ठे बैठे हैं अफ्तारी के इंतज़ार में, बस दो मिनट बाकी रह गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का जो सामान है वो सब इकट्ठा पड़ा है यहाँ पे, हम सब लोग बैठ के इकट्ठे अफ्तारी करेंगे। और साथ में अम्मी जी भी बैठी हैं,
अम्मी जी से पूछते हैं कि आज अम्मी जी को रोज़ा कैसे लगा कि ये नहीं लगा। अम्मी जी बताओ कि रोज़ा कैसे रहा आपका, ठीक रहा? तो ठीक रही। अम्मी जी कहती हैं कि रोज़ा आज का बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा दिन रहा था। तो आप रोज़े के इंतज़ार में बैठे हैं, जैसे अजान आएगी तो अफ्तारी के लिए हाथ उठाएंगे और दुआ मांगेंगे, आपके लिए भी मांगेंगे अपने लिए भी मांगेंगे। अभी फिलहाल इंतज़ार करते हैं अफ्तारी की। भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली है, अब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखिए इस घंटी को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रखें अपने और अपने प्यारों का ख्याल, मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय।